नमस्कार दोस्तों, आज हम सीलिंग फैन लगाना सीखेंगे। काफ़ी इजी होता है सीलिंग फैन लगाना, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें पंखे के नीचे से कुछ भी कनेक्शन नहीं छोड़ना है, ना ही करना है। दोस्तों, जब कोई इलेक्ट्रिशियन पंखा उतारता है तो कुछ इसी कंडीशन पे उतारता है ताकि वो दोबारा इजीली से इंस्टॉल हो सके। लेकिन कुछ पंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे इस पंखे के अंदर आप देखिए कि ये जो वायर है ऊपर से निकली हुई है, जबकि बीच में एक छेद दे रखा है, वहाँ से वायर निकलने की जगह है। क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा बोल्ट लगेगा तो कई बार वायर उससे कट जाता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार रह जाती है। इतना करने के बाद में दोस्तों, हमें इसके अंदर पंखड़ियाँ लगानी है, इसकी ब्लेड लगानी है। वो देखिए दोस्तों, नीचे जो तीन तीन ब्लेड वाला पंखा है ये, तो इसके हम स्क्रू खोल लेंगे। दो स्क्रू पास पास में होंगे और तीन तीन होंगे वो पंखे को कसने वाले स्क्रू हैं, उनको आपको नहीं खोलना है। जैसे ये पंखड़ी है तो इसके पास में स्क्रू होंगे, उसी को हम खोलना है। देखिए दोस्तों, ये नीचे वाला हिस्सा यानी कि सीधा हिस्सा है, हमें इसको उल्टा करके लगाना है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ सीधा करके लगा देंगे तो पंखा हवा नहीं देगा, और तीनों पंखड़ियाँ एक जैसी लगानी है। ऐसा नहीं है कि कोई उल्टी लगा दे सीधी लगा दे, वाशर हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। कई लोग होते हैं जो वाशर पंखड़ी और पंखे के बीच में लगा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये वाशर है लोहे का, ये जस्ट इसके ऊपर रहेगा। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि अचानक से हमें इमरजेंसी में पंखा लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन आ नहीं पाता, रात का टाइम होता है, नहीं गर्मी के अंदर हमारा हाल बेहाल होता है, तो हम इस तरीके से पंखा इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप इस वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजीली और आसानी से पंखा इंस्टॉल हो जाएगा। हमने ये स्क्रू इसके कस दिए हैं, इसी तरीके से हम तीनों इसकी पंखड़ियाँ लगा देंगे। पर ध्यान रहे कि पंखड़ियों का जो डायरेक्शन है वो नया वाला जो नीचे की तरफ होना चाहिए, और तीनों जब पंखड़ी लग जाएगी तो आपका पंखा कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा पंखा इंस्टॉल हो चुका है, और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो कड़े ऊपर पंखे को लटकाना होता है। देखिए दोस्तों, ये कड़ा होता है, ये कड़ा आपके यहाँ तो पंखे में ऊपर रह चुका है, यहाँ पे आपको नया खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कई इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो इसको ऊपर ही छोड़ देते हैं, पंखा आपको उतार के दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें लॉक होता है, इसको निकाल लेना है, और इसका जो स्क्रू है ये खोल लेना है। इसको ऊपर वाला जो रबड़ है वो ध्यान रखिएगा कि ये नया रबड़ हो, और अगर आपको टूटा हुआ लग रहा है, गला हुआ लग रहा है, तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा। हमें सिर्फ नीचे का बोल्ट खोलना है और ऊपर रबड़ का हिस्सा ऐसे कैसे रखना है ये हमें कड़े में लटका लेना है। चलो हम अपने पंखे के कड़े के पास चलते हैं, वहाँ पे इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ कड़ा लगा हुआ है, कई कड़े बाहर निकले होते हैं, कई कड़े अंदर होते हैं, प्रोसेस दोनों का सेम होता है पंखा लगाने का। अब हम ये जो कड़ा है इस तरीके से इसको फंसा देंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर हमारे पंखे का पाइप इसमें फंसा देना है, और जो बोल्ट है वो कड़े से होता हुआ, पंखे से होता हुआ वापस बाहर निकल जाएगा, और वहाँ पे हमें इसको लगा देना है, वापस बोल्ट कस देने हैं। बोल्ट वगैरह काफ़ी टाइट अच्छी तरीके से कसने हैं, और जो पिन हमने निकाली थी वो भी हमें दोबारा से वापस लगा लेनी है, क्योंकि अगर बोल्ट ढीला हो जाएगा तो भी वो पिन उस बोल्ट को बाहर नहीं निकलने देगी। देखिए फ्रेंड, जिस तरीके से इसको लगा लेना है, पहले वाशर लगा लेना है, ऊपर से बोल्ट कस देना है, और बोल्ट के बाद में जो पिन है, क्वार्टर पिन होती है, वो इसमें लगा देनी है। अब इस पंखे के हमें कनेक्शन कर देने हैं। पंखे कनेक्शन आपको ध्यान रखना है कि उसी तरीके से करने हैं जहाँ पहले जिस तरीके से किया हुआ है, या पहले ही कोई वायर छूटी हुई होगी। दो तारे लगाते हैं इधर, दोनों तार किसी में भी लगा सकते हैं आप, और जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा पंखा चालू हो जाएगा। दोस्तों, कनेक्शन करने के बाद में जो वायर एक्स्ट्रा वायर है उसको कड़े के अंदर घुसा देंगे, यानी कि जो ऊपर कड़े में जो खाली जगह है उसमें लगा देंगे। उससे पहले हमें अच्छी तरीके से इसकी टैपिंग कर लेनी है। टैपिंग करने के बाद में हम इसको चलाएंगे तो देखिए दोस्तों, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करिएगा।